from enmity and danger. May I be free from mental suffering. May I be free from physical suffering. अभी यहाँ जितना भी छोटा छोटा मूर्ति है सब बाहर निकाल लिया जा चुका है, और ये सिर्फ बड़ा वाला मूर्ति है जो उठाने के लिए मुश्किल है, इसलिए ये भी रखा हुआ है। और जितना यहाँ का मूर्ति है आज का दिन उसको यहाँ में उतारा गया है। ये वाला छोटा वाला जो मंदिर है ये आपका वह 3 डेज यहीं पे रहेगा। आपको मैं दिखा देता हूँ, यहाँ से कन्वीनियंट नहीं है। ऐसे रखा जाता है, और ये जब पानी यहाँ से जब पानी डालेगा तो ये घूमता है। उसके बाद जितना भी यहाँ मूर्ति रखा हुआ है सब को ये पानी स्प्लैश होता है। तो यही एक तरीका है, इसको 3 डेज रखा जाता है, और 16 का सुबह को उसको फिर ये बड़ा मंदिर पर उसको उठाया जाएगा बड़ी धूमधाम से, विद आपको जो गोंग है ये सब बजा कर उसको फिर उठाया जाएगा। और आपको मैं बता दूँ कि सबसे पहले जब भी आप आएंगे बुद्धिस्ट टेम्पल पर संकेत मनाने, सबसे पहले आपको आपके साथ में होना पड़ेगा एक बकेट। उसके बाद आपको यहाँ जितना पाइप दिखाई दे रहा है आपको ये पाइप से यहाँ से पानी लेके आपको भराना है पानी। उसके बाद आपको कहाँ जाना है मैं आपको बता देता हूँ। उसके बाद आपको जाना है यहाँ पे जहाँ ये मूर्ति रखा हुआ है यहाँ पे जाना है। उसके बाद आपको यहाँ में कि जो भी आप कैंडल अगरबत्ती लेके आया है कैंडल अगरबत्ती लोग को आपको जलाना है यहाँ पे। आफ्टर दैट अगरबत्ती जला के जो आपका मन्नत है जो भी आपका रिक्वेस्ट है भगवान को आप ये रिक्वेस्ट को आपको करना है प्रे करना है। प्रे करने के बाद आपको क्या करना है पानी लेके पानी बल्टी लेके आपको यहाँ पे डालना है। यहाँ पे पानी डाला जाता है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये पानी यहाँ डालेगा यहाँ से जाएगा सीधा यहाँ, और ये जो आपको फिल्ट्रेशन के लिए जो फ्लावर्स के साथ में जो पानी डालता है तो फ्लावर्स यहाँ तक जाने के लिए ताकि अंदर में कोई ब्लॉकेज ना होने के लिए ये डबल फिल्ट्रेशन रखा हुआ है। तो इसके बाद ये अंदर जाएगा जिससे पहले आपको हम दिखाया था। उसके बाद वो जब पानी वहाँ गिरेगा तो वो घूमेगा, तो जितना भी यहाँ मूर्तियाँ हैं सबको ये पानी लगेगा। आफ्टर दैट आपको इसमें 3 टाइम्स पानी डालना है। उसके बाद आपको जाना है ये, और ये सेकेंड हम लोग का बुद्धिस्ट में सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट माना जाता है। जैसे कि होगा ये एक जो है हम लोग का, यदि मैं गलत नहीं हूँ तो ये जो है ये गच्ची में इसलिए पानी डाला जाता है ताकि हम लोग का जो नॉलेज होता है विजडम होता है उसके लिए। और ये एक फिर दोबारा ऐसे ही बनाया जाता है, ये होता है हम लोग जो पानी के लिए, पानी का जो भी राजा होता है या पानी का जो भी रखवाला होता है उसके लिए, ताकि होल ईयर पानी से कोई ऐसा मतलब डिजास्टर ना हो इंसिडेंट ना हो उसके लिए पानी को प्रे किया जाता है। ये 2 हो गया, और इसमें भी आपको यहाँ 3 बकेट पानी और यहाँ 3 बकेट पानी डाला जाता है ये दोनों में। उसके बाद डालने के बाद आपको जाना है यहाँ पे जैसे छोटा छोटा ये स्तूपा है ये है, ये छोटा सा प्यारा सा लोटस के ऊपर बैठा हुआ ये आपका मूर्ति है बुद्ध भगवान का। इसमें आपको पानी डाला जाता है, इसमें भी आपको 3 बकेट पानी डालता है। उसके बाद आप जो है 3 बकेट पानी डाल सकते हैं या 7 बकेट पानी डाल सकते हैं, या तो फिर आप नहीं सक रहे तो एटलीस्ट 1 बकेट होने से भी आप डाल सकते हैं। और जब भी आप पानी डालेगा पानी डालने से पहले एक बार प्रार्थना कर लीजिए, और पानी डालने के बाद आफ्टर फिनिशिंग 3 टाइम्स या 1 टाइम या 7 टाइम्स आप दोबारा फिर प्रार्थना कर सकते हैं। और ये हो गया आपका अशोका का ये पिलर जहाँ में ये जो एनविलम लगा हुआ है इसमें भी पानी डालते हैं लोग। उसके बाद मैं आपको दिखा देता हूँ और तीसरा कहाँ में है,
ये हो गया हम लोग का बुद्धिस्ट का एक जाना माना स्तूपा। आप लोग को तो पता ही होता होगा ये हर बुद्धिस्ट टेम्पल में आपको ये स्तूपा मिलेगा, चाहे वो महायाना का हो या हीनायाना का हो। ये हर स्तूपा हर साइड से आपको ये सेम लगेगा एग्जैक्ट चारों कोने से। तो यहाँ में भी आपको घूम घूम कर 3 राउंड्स आपको 3 बकेट डाला जाता है घूम के। तो यहाँ में भी आपको डालने से पहले कैंडल जलाना है, आपको ऑफरिंग करना है, जो अगरबत्ती हो गया, जो आपका कैंडल हो गया उसे जलाना है। और नेक्स्ट है आपका ये मोस्ट इम्पोर्टेंट हम लोग का बुद्धिस्ट के लिए सबसे बड़ा एक, इसको मेंशन किए बिना तो होगा नहीं, क्योंकि हम लोग का ये बुद्धित्री है जहाँ पे बुद्ध भगवान ने मेडिटेशन करके उसको एक इनलाइटनमेंट मिला था। ये गच्ची है, तो इसके लिए उसको हम लोग का बुद्धिस्ट टेम्पल में ऑलवेज रहना ज़रूरी है। इसमें हम लोग, क्योंकि बुद्ध भगवान ने अपना इनलाइटनमेंट पाया था, तो इसके लिए इसमें भी हम लोग प्रार्थना करते हैं। ये बुद्धित्री ऐसे त्री है जो आपको मन को शांति देता है, आपको मोर यू नो कॉन्फिडेंट, मोर हेल्थियर एक एटमोसफेयर क्रिएट करता है ये जो बोधित्री है। इसलिए हर एक टेम्पल में ये होना बहुत ज़रूरी है। तो ये हो गया जो आपको जानकारी जान रखना चाहिए इसमें आने से पहले, और तो कुछ नहीं है, और इतना कुछ ही होता है। ये 3 डेज होता है, अब एवरी ईयर ये चीज़ आपको अप्रैल 14 से लेके अप्रैल 16 तक होता है। लेकिन जो डेट होता है भगवान को बड़ा टेम्पल से छोटा में लेके आने का या वापस उठाने का, वो उसका एक समय होता है। एवरी ईयर वो समय बदलता है, जैसे कि यहाँ में आपको अच्छे से दिखाई दे रहा है। ये मंदिर का नाम जो है थेरावादा बुद्धा विहार, जो ईटानगर में स्थित है, और डेट जो है 14 to 16 अप्रैल को मनाए जाते हैं एवरी ईयर। ये 2021 का है। और देखो भगवान जब उतरता है वो सुबह का, आज ये साल के लिए सुबह का 5:46:55 को, और वो वापस 16 को वापस चला जाएगा 9:51:36 AM पर सुबह को। तो यही है, whatever beings that move on earth, may they be free from mental suffering and enmity, may they be free from physical suffering and again. As far as the highest plane of existence, to as far down as the lowest plane. In the entire universe, whatever beings that move on water, may they be free from mental suffering and enmity. May they be free from physical suffering and danger. As far as the highest plane of existence, to as far down as the lowest plane. In the entire universe, whatever beings that move in air, may they be free from mental suffering and enmity. May they be free from physical suffering and danger. को जो जो जितना हम जानते हैं उतना हम आपको जानकारी दे दिया। ये मेरे पीछे ये बड़ा वाला मंदिर है, और ये है आपका छोटा वाला जहाँ में अभी रखा गया है। तो आप जब भी आके उसको पानी डाल सकते हैं, चाहे सुबह में आए, शाम में आए, दिन में आए, रात में आइए, आप जब भी आके डाल सकते हैं। तो लास्ट ईयर भी मैंने लास्ट ईयर से पहले उस तब भी मैंने यही जगह पर वीडियो बनाया था। उसमें ये टैंकी था ही नहीं, वहाँ में एक टैंकर था, टैंकर से पानी लेकर हम लोग डालता था, तो तकलीफ था। लेकिन इस बार अच्छा से फैसिलिटीज लोग दे दिया है। तो यही कुछ था। तो थैंक यू सो मच जो भी देख रहा है, आपका फैमिली और आपको गॉड आपको ब्लेसिंग्स दे। तो उसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। थैंक यू, बाय बाय। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। तो इसी के साथ गॉड ब्लेस यू।